प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान। पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और 2022 तक एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने के संकल्प के लिए पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाढ़ पीड़ित पंजाब और हिमाचल प्रदेश को हर मुमकिन मदद का भरोसा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश में फंसे 650 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अयोध्या विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता के सवाल पर फिर से विचार के लिए बड़ी पीठ में भेजने की जरूरत तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। एडल्ट्री से संबंधित आईपीसी की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी आ सकता है फैसला। स्वदेशी तकनीक से विकसित दृश्यता सीमा से बाहर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा मंत्री ने कहा, रक्षा हथियार प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास में भारत ने हासिल की उच्च स्तर की क्षमता। और पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा बांग्लादेश। 37 रनों से दी मात। दुबई में टीम इंडिया के साथ कल होगी खिताबी भिड़ंत।